हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम लोगों को देख के आपको लग रहा होगा कि हम कहीं जा रहे हैं ऑटो में बैठ के। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, और अयान के पापा जा रहे हैं अपनी ससुराल। तो साजन चले ससुराल, और यहाँ पे ऑटो से हम में बैठ गए हैं। जस्ट अभी घर से हम निकले हुए हैं, और रात का टाइम है, रात में बज रहे हैं अभी 10, क्योंकि 11 बजे हमारी ट्रेन है, इसलिए हम 10 बजे ही निकल गए। क्योंकि रात में हमने सोचा टाइम से ही पहुँच जाएँ, और रास्ते में ट्रैफिक वगैरह भी काफ़ी हो सकता है, जिससे आराम आराम से पहुँच जाएँ, क्योंकि आगरा में काफ़ी ट्रैफिक रहता है रास्ते में। तो पहले से निकल जाओ तो सही रहता है, क्योंकि तो टाइम से निकल आओ तो ठीक रहता है कि बच्चे के साथ में टाइम से हम सामान वगैरह अच्छे से रख लेंगे, और ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं पड़ेगी, थोड़ा टाइम रहेगा पहले से। तो इसलिए हम टाइम से निकल आए हैं। और यहाँ देख लीजिए कि रात का टाइम है, तो रोड एकदम सुनसान सा लग रहा है थोड़ा सा। ये मुझे लग रहा है भैया शॉर्टकट रास्ते से भी लाए हैं, मेन सिटी से नहीं लाए, वरना मैं मेन सिटी भी दिखाती आपको। और मैंने आप लोग पूछेंगे ना कि आपने सर पे दुपट्टा क्यों ले रखा है, अब तो आप मायके जा रही हैं, अब तो आप अपने ससुराल से निकल आए हो घर से बाहर। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो ऑटो वाले भैया हैं वो हमारे मोहल्ले के ही हैं, हमारे घर के पास में ही रहते हैं। हमें जब भी आना होता है तो हम इनके ऑटो करके आते हैं, इसलिए हमने सर पे मैंने अपने सर पे पल्ला रख रखा है, क्योंकि हमारे घर के पास के हैं। तो बस इस चीज़ को माइंड मत कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके माइंड में मतलब पहुंच जाती हैं कि ऐसा क्यों किया दी, वैसा क्यों किया दी। तो इसलिए मैंने ले रखा है सर पे पल्ला। तो ये हम लोग ऑटो से उतर चुके हैं, और ऑटो से उतर के हम लोग पहुंच गए हैं आगरा के रेलवे स्टेशन पे। तो ये है आगरा का रेलवे स्टेशन, आगरा छावनी। तो बस हम लोग यहाँ उतर के अपना सामान वामान कलेक्ट करके अब मतलब अंदर जाएंगे, स्टेशन के अंदर बैठेंगे जाके, क्योंकि हमारा जो ट्रेन है वो थोड़ी हमारी ट्रेन लेट है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो हम वहीं जाकर आराम से वेट कर लेंगे, और क्योंकि थोड़ा सा ही होता है ना स्टेशन वगैरह में आके वेट करना, ट्रेन का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर पहले से आ जाओ। लेकिन पहले से आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा ही लेट हो गया, क्योंकि टाइम की वैल्यू तो मालूम है, अगर आप 2 सेकंड भी लेट हो गए ट्रेन के लिए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, कोई बात नहीं है। और अयान के पापा को ज़्यादा ही जल्दी मस्ती है, इसलिए वो घर से ज़्यादा ही जल्दी ले आते हैं, मतलब इतनी भी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, कभी भी होता है ना, तो ये काफ़ी टाइम से काफ़ी पहले ही घर से ले आते हैं, क्योंकि इनको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन या फ्लाइट निकल जाए, इनको हमेशा डर रहता है इस चीज़ का, इसलिए जल्दी ले कर आते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अब प्लेटफॉर्म के अंदर, और अयान सो चुका है, ऑटो में भी सो चुका है, लेकिन मैंने इसे अभी जगा दिया है ताकि ये ट्रेन में सो ले, क्योंकि फिर ये सोएगा नहीं, रात भर जागता ही रहेगा। तो मैं इसको जगाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये जाग गया है, और ये देख लीजिए अभी भी नींद में। तो बस हमारी ट्रेन आ चुकी है रेलवे स्टेशन पे, और ये आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो हमें ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम भारी भारी सामान लेके ओवर ब्रिज पे चढ़ते, फिर जाके ट्रेन पकड़ते, फिर उधर जाना पड़ता, क्योंकि मुझे अयान को लेना पड़ता और अयान के पापा को सारा सामान लेना पड़ता, और बच्चे के साथ सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे की ज़रूरतों की चीज़ें बहुत सारी रखनी पड़ती है रास्ते के लिए, इसलिए थोड़ा सा सामान ज़्यादा हो जाता है। फिर यहाँ से वहाँ स्टेशन पर दूर तक जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब प्लेटफॉर्म 1 पे हम मतलब हम जिस पे पहुंचते हैं उसी पे ट्रेन आ जाए। तो बस हम लोग ट्रेन पे बैठ गए हैं, और हमारी ट्रेन मतलब थोड़ा सा लेट आई है, मतलब 11 बजे की थी बट 11:30 बजे आई है, क्योंकि ये मथुरा से लेट हो गई थी आगरा तक आने आने में ही। और यहाँ पे अयान कर रहे हैं सबसे बाय बाय, आगरा को बाय बाय कर रहे हैं, और आगरा के सभी लोग को बाय बाय कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ मामा के घर पे। तो ये बड़ा खुश है, आप देख सकते हैं इसकी कितनी खुशी है, और ये अब खेल रहा है आके ट्रेन पे। तो अभी बज गए हैं सुबह के 5:30, क्योंकि हम लोग रात में 11:30 बजे निकले थे, और 6 घंटे के बाद हम पहुंच पाए हैं। और अभी हमारी ट्रेन रुकी नहीं है, अभी हल्की हल्की ट्रेन चल रही है, और सुबह सुबह का टाइम है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ का प्लेटफॉर्म है, तो अभी लगभग काफ़ी लोग सो रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो कुछ लोग अपने गाँव जाने का वेट कर रहे हैं कि सुबह मतलब साधन मिलेंगे, वाहन वगैरह मिलेंगे, तब हम अपने घर निकलेंगे, और कुछ लोग ट्रेन वगैरह का वेट कर रहे होंगे, इसलिए ऐसा ही नज़ारा है। और यहाँ पे किसी इनकी ट्रेन छूट रही है, इसलिए दौड़ लगा रहे हैं ट्रेन के बराबर बराबर, ताकि ये ट्रेन रुके तो सबसे पहले ये चढ़ जाएं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, तो हम लोग पहुँच चुके हैं महोबा, यानी कि रमा का मायका और मेरी ससुराल। तो
मायके आने की खुशी आप लोगों को मेरे चेहरे पे दिख रही होगी, क्योंकि मैं पूरे 9 महीने के बाद, आप सोच सकते हो 9 महीने का टाइम कितना ज़्यादा टाइम होता है, तब मैं पहुँच रही हूँ अपने घर। तो बहुत खुशी है मुझे, खुशी आपको मेरे फेस पे ही देखने की। और यहाँ पे अभी सुबह के टाइम, मतलब रात भर मेरी बात हुई थी मम्मी से, तो वो बता रही थी कि रात भर बारिश होती रही है, और यहाँ सुबह सुबह के टाइम भी अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं रोड पूरा गीला हुआ है, तो यहाँ सुबह ठंडा ठंडा मौसम है और बारिश हो रही है, तो और हल्की हल्की बूंदाबांदी की वजह से ही अयान को बहू बना रखा है। इसके सर पे मैंने मोटा स्टॉल डाल रखा है ताकि इसके सर पे बिल्कुल भी पानी ना आए, तो इसलिए बहू बने हैं। तो फाइनली हम महोबा पहुंच गए हैं, बस ऑटो में बैठने जा रहे हैं। तब महोबा द सिटी ऑफ आला एंड उजन, और इसको इसलिए उड़ा रखा है क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो इसीलिए ऑटो में बैठते हैं, मिलते हैं घर पे। आला उदल की नगरी है? हाँ। चलो। और यहाँ के रोड इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत ही उबड़ खाबड़ रोड है, तो आप देख सकते हो कि ऑटो कितना ज़्यादा हिल रहा है, कितना ज़्यादा हिल रहा है, एकदम झूले की तरह हिल रहा है। बट इसको भी हम इन्जॉय कर रहे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अपने रोड भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, पुराने दिन याद आ रहे हैं जब हम पहले आते जाते थे तो रोडों में, इन रोडों में बहुत मज़ा आती थी जब इसमें ऐसे खड़खड़ाते हुए ऑटो चलता है। तो बस ये है महोबा सिटी, ये महोबा के रोड है, और मैं घर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गई हूं। बस जरा सी देर में, कुछ क्षण में ही मैं अपने घर पहुंचने वाली हूं, जरा सी देर लगेगी। तो ये पहुंच गई और मैं अपने गेट पे उतर भी गई हूं। तो बस घर पे पहुंच चुके हैं और बहुत ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है जब रात भर का सफ़र करके मैं घर पहुंची हूँ। एक तो घर पहुंचने का सुकून, खुशी और रात भर की थकावट, इन सब चीज़ों के बाद बहुत अच्छा लग रहा है घर पहुंचने का बाद। तो ये हमारी दीदी का बेटा है, मतलब मुझसे बड़ी वाली दीदी है, उनका बेटा है गोलू, तो ये वैभव नाम है इसका। तो ये अयान के साथ खेल रहा है क्योंकि ये अयान को बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था, बहुत वेट कर रहा था अयान कब आएगा, अयान कब आएगा। जैसे ही अयान घर पहुँचा है तो ये तुरंत आ गया अयान के पास खेलने के लिए। वैसे वे ये कभी इतनी जल्दी सुबह नहीं उठता है, बट अयान की वजह से सुबह सुबह से ही उठ गया है क्योंकि इसको बहुत इंतज़ार था ना इसका, तो इसको बहुत खुशी हो रही है अपने छोटे भाई से मिलके। और मम्मी भी सुबह सुबह नहा धो के पूजा करने ही जा रही थी, मतलब सुबह से ही उन्होंने सारे काम कर लिए हैं क्योंकि हमें आना था, तो बहुत जल्दी दिखी है। कई दिन के लिए आएंगे, हमको आए चली जाए तो भी कहे आ रहे हैं। और यहाँ पे अयान अपनी नानी के पास खेल रहे हैं, नानी के पास पहुँच गए हैं और इतने दिनों के बाद नानी के पास आए, क्योंकि ये पहले आया था तो बहुत छोटा था, ये 3-3.5 महीने का था जब ये दिसंबर में आया था, 9 महीने के पहले, मतलब 9 महीने पहले आया था। तो अब ये नानी के पास आया है बहुत दिनों के बाद, तो ये देख लो कितना खुश हो रहा है, कैसे शर्मा रहा है नानी के पास आके, अब ये पहचानता नहीं है, धीरे धीरे पहचानेगा। तो बस ये इंजॉय कर रहा है नानी के संग में, और बस हम बैठे हुए हैं। तो पापा ने अभी चाय नहीं पी है क्योंकि पापा सुबह सुबह पूजा वूजा करेंगे और साथ चल रहे हैं, तो वो पानी देते हैं सुबह उठ के, तो ये सारे काम करने हैं, तो वो चाय नहीं पी रहे हैं, और हम लोग ने चाय पीनी स्टार्ट कर दी है। तो बस यहाँ पे अब मैं पी रही हूँ घर की चाय इतने दिनों के बाद, और यहाँ पे अयान के पापा कुछ बातें कर रहे हैं, पता नहीं रास्ते वास्ते की कुछ बातें बता रहे हैं, और चाय इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग सुबह सुबह की। तो बस यही सब चल रहा है, तो बस अब फाइनली घर पहुँच गए हैं, और बहुत जल्दी आपको हमारे घर के मायके के, आप लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि सबसे मिलवाइए
बताइए और वहाँ की सारी चीज़ें बताइए दिखाइए। तो ये तो आला उदल की नगरी है, वीरों की नगरी है महोबा, और यहाँ के बारे में जितनी बातें मतलब बताई जाए उतनी कम है। बहुत बड़ी हिस्ट्री है यहाँ की, सारी बातें मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा आप लोगों के सामने लाऊंगी, बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ की। तो बस यहाँ का ब्लॉग, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं। और आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।